पढ़ लिया था लास्ट आई थिंक। आईडी एट्रीब्यूट भी हमें पता है, हम ये देख चुके हैं कि आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो हर एलिमेंट पे आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ये रेगुलेशन होती है कि अगर एक आईडी किसी एक एलिमेंट को दे दी है मैंने, मिसाल के तौर पे इस पैराग्राफ को मैंने आईडी दे दी है P1, तो ये P1 अब मैं किसी दूसरे वाले को, किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकता, ठीक है जी। ऑन अदर एंड आपके पास क्लास एट्रीब्यूट है, ये भी हम पढ़ चुके थे। तो क्लास एट्रीब्यूट क्या डिफ़ाइन करता है कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक। अच्छा, क्लास को स्टाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्टाइलिंग के अलावा भी सम टाइम एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली आप समझ लें इसको स्टाइलिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप अगर फ़ोटो की गैलरी बना रहे हैं तो फ़ोटो गैलरी में 20-25 फ़ोटो हो सकती हैं आपके पास, तो आप हर फ़ोटो पे अलग अलग स्टाइलिंग नहीं करते हैं, ठीक है। आप एक क्लास बनाते हैं, आप कहते हैं गैलरी फ़ोटो, सही है, और गैलरी फ़ोटो के अंदर जो जो स्टाइलिंग आपने लगानी होती है, अभी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे CSS स्टाइलिंग अभी चैप्टर नंबर 10 से। तो आप एक बना देते हैं गैलरी फ़ोटो, और आप क्या करते हैं जितनी भी फ़ोटो हैं उन पे जाके आप मेंशन कर देते हैं कि भाई ये क्लास जो है गैलरी फ़ोटो है, तो वो स्टाइलिंग तमाम उन फ़ोटोज़ पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक वक्त में दो क्लास भी हो सकती है किसी एलिमेंट की, ठीक है। आईडी में ऐसा नहीं हो सकता, आईडी में एक वक्त में एक ही आईडी हो सकती है, दो नहीं हो सकती। क्लास जो है एक ही एलिमेंट दो क्लासेस से भी बिलोंग कर रहा होता है। तो आप देखें ज़रा कि इन्होंने क्या किया, ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसको क्लास इन्होंने दी हुई इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट देने की वजह से ये क्या हो गया, कैपिटल में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसको इम्पॉर्टेंस के साथ साथ एडमिटेंस भी लगाया हुआ है इसके ऊपर, तो इसमें क्या हो रहा है कि इम्पॉर्टेंस वाला भी स्टाइल अप्लाई हो जा रहा है और एडमिटेंस वाला स्टाइल भी इसमें अप्लाई हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है आपके जहन में कि यार अगर मिसाल के तौर पे इम्पॉर्टेंस के अंदर अगर कलर ब्लू किया हुआ है और एडमिटेंस के अंदर अगर कलर को रेड किया हुआ है, तो अब इसमें से कलर कौन सा अप्लाई होगा, ब्लू अप्लाई होगा या रेड। अभी तो फ़िलहाल इम्पॉर्टेंस में कोई कलर नहीं डाला हुआ है इन्होंने, इम्पॉर्टेंस में सिर्फ कैपिटलाइज किया हुआ है। तो अब अगर मिसाल के तौर पे सेम स्टाइलिंग दो क्लासेस में लगी हुई है और अलग अलग वैल्यूज़ हैं और दोनों लगा दिया जाए, तो फिर अप्लाई कौन सा वाला होगा, ठीक है। तो इसका जवाब इंशाल्लाह आपको जब हम CSS शुरू करेंगे तो शुरू में ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि हाउ CSS कैस्केड, उस टॉपिक को जब हम कवर करेंगे। तो अच्छा, ब्लॉक लेवल भी हमने कवर कर लिया था आई थिंक। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो खुद एक नई लाइन से स्टार्ट होते हैं और अपनी लाइन में किसी को आने नहीं देते, और ऐसा इसलिए होता है कि दोज एलिमेंट्स आर सपोज टू बी लाइक दैट, मतलब हेडिंग जहाँ पर है तो हेडिंग ज़रूरी है, हेडिंग के लिए कि हेडिंग की लाइन से ही शुरू ना हो जाए। मतलब ये वाली जो लाइन है द डेट फॉर ओरिजिन, अगर ये लाइन यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए ना, असूलन ये नए लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए। तो जो भी एलिमेंट ब्लॉक लेवल हैं, इन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो उनको ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। बाई दोज एलिमेंट्स आर सपोज टू बी लाइक दैट, तो इसलिए वो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन लाइन एलिमेंट क्या होता है, ये आप इस डेमॉन्स्ट्रेशन से भी देख सकते हैं कि जहाँ इसको जगह मिलती है ये वहाँ से शुरू हो जाता है। और बोल्ड है, एम्फसाइज है, इटैलिक है, ठीक है, ये सारे जो इन लाइन एलिमेंट्स हैं। इमेज भी आपका इन लाइन एलिमेंट है, तो आप अगर 3-4 इमेजेस लगाते हैं 100-100 पिक्सल की, तो वो एक दूसरे के नीचे नहीं आएंगे बल्कि एक दूसरे के बराबर में आएंगे, साइड बाई साइड आएंगे। अच्छा जी, ये भी हमने कवर कर लिया था। डिव जो होता है वो क्या होता है, एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है, और ये ब्लॉक लेवल बॉक्स होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। इसी तरह स्पैन भी जो होता है वो एक बॉक्स बनाने के काम आता है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको डिव और स्पैन का शायद अभी उस तरह से समझ में ना आए कि अभी इसका एक्चुअल में हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है ये, क्योंकि अभी तो हम सीधा सीधा लिखते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर जब हम CSS लगाते हैं ना, तो CSS में हमें ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि ये देख रहे हो ऐसा ये बॉक्स जो बना हुआ है, बुक की जो प्रिंटिंग है उसमें ये बॉक्स बना हुआ है। अगर आपको इस तरह का कोई बॉक्स बनाना हो, ठीक है, और आप देखेंगे छोटा बॉक्स फिर बना हुआ है, छोटे बॉक्स के ऊपर फिर HTML लिख, तो इस तरह के बॉक्सेस वगैरह अगर आपको बनाने होते हैं ना, तो आपको फिर ये डिव चाहिए होता है, क्योंकि डिव इज़ नथिंग बट अ स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। और अंदर इसके कुछ लिखोगे तो आएगा नज़र, नहीं लिखोगे तो जस्ट बॉक्स बना हुआ रहेगा, ठीक है। उस बॉक्स को कोई कलर भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो जी, हमारे पास एक डिव है और एक स्पैन है। डिव जो है वो भी बॉक्स है, वो ब्लॉक लेवल है। स्पैन जो है वो भी एक बॉक्स है, बट ये इन लाइन है। अच्छा, इन लाइन की हमें ज़रूरत
पड़ सकती है इस वजह से कि जब हमें मिसाल के तौर पे इस पैराग्राफ के दरमियान में ये लिखा हुआ है ना टेट मॉडर्न, इस पे मुझे अगर कुछ स्टाइलिंग लगानी है तो मैं या तो मैं पूरे पैराग्राफ पे लगाऊंगा, सिर्फ इतने पे मैं नहीं लगा सकता अनटिल एंड अनलेस कि उसको मैं किसी मार्कअप में रैप ना कर दूँ, क्योंकि स्टाइलिंग हमेशा लगती है मार्कअप के ऊपर। मैं बोलूँगा इस पी पे स्टाइलिंग लगा दो, मैं बोलूँगा इस स्पैन पे स्टाइलिंग लगा दो, लाइक दैट, ठीक है। तो मैं जब तक इसको किसी मार्कअप में नहीं रैप करता, जैसे मुझे मिसाल के तौर पे ये कपूर जो लिखा हुआ है इस पे अगर स्टाइलिंग लगानी है, सिर्फ इस वाले पे जितना ये सेलेक्टेड है, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसको किसी एलिमेंट में रैप करूँ, किसी मार्कअप में रैप करूँ, ठीक है। तो उसके लिए स्पैन आइडियल है, क्योंकि स्पैन इन लाइन होता है। अगर स्पैन जस्ट मैं रैप कर दूँ और कुछ स्टाइलिंग ना लगाऊँ तो वो देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि इस पर स्पैन लगा हुआ है, ठीक है। तो स्पैन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, जस्ट ये होता है कि वो एक बॉक्स बन जाता है, मतलब इस कपूर के अराउंड एक बॉक्स बन जाता है, और जब आप कोई स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं तो उतनी जगह पर वो हो जाता है, ठीक है। ये हम सब करके देखेंगे बाकायदा जब स्टाइलिंग पढ़ेंगे तो। अच्छा जी, आई फ्रेम को हमने डिस्कस कर लिया था। आई फ्रेम में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आई फ्रेम अलाउ नहीं करती हैं, और कहाँ तक कर लिया था हमने। अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं कि कंप्लीट हो गया था ये चैप्टर। अच्छा, मेटा भी हमने डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट नहीं हुआ था यार, चीज़ें रह गई थी। एस्केप कैरेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए थे ऑब्वियसली। अरे हाँ यार, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर, दैट इज़ ग्रेट। तो इसका मतलब है कि आज हम फिर CSS स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, तो आपने रेज किया हुआ है। आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। मैंने ये वेबसाइट बनाई थी ना, तो उसमें ना हुसैनाबाद स्ट्रीट का ना फूड स्ट्रीट का मैप बनाया था। हाँ, तो मैप डाला था, जब मैंने गिट क्लोन करा पूरा सब चीज कर ली, उसके बाद पेज मैंने वहाँ पे होस्ट कर दिया, जब मैंने होस्ट वाले लिंक पे क्लिक करा तो मैप शो नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। सर मैं लिंक भेजता हूँ मैसेज पे ना, उस पे हाँ, देखिएगा मैप शो नहीं हो रहा, बाकी हेडिंग वेडिंग सब आ रही है। हाँ भेजो, लिंक भेजो मुझे, मैं इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ। अच्छा जी, मैप कहाँ पे लगा हुआ है, लास्ट में लगा हुआ है? यस सर, यहीं पे लाया है। आई फ्रेम, ये आपका आई फ्रेम है राइट? यार आपके आई फ्रेम में एक बहुत लंबा सा स्पेस आया हुआ है, ऐसा क्यों है भला? ये स्पेस डला हुआ है आपके URL में। अच्छा, ये इस वजह से शो नहीं हो रहा, आपने HTTPS नहीं लगाया इसमें। इसमें अगर मैं S लगा दूं तो, हाँ S लगाते ही शो हो गया ये। असल में ये आपकी वेबसाइट ना HTTPS पे खुली हुई है, तो इसमें HTTPS वाला ही लिंक लगेगा, ये चक्कर है। ये देखें शो हो गया ये, ठीक है जी। व्यू लार्जर मैप, तो इधर घूम गया ये। अच्छा, एक स्पेस भी था बाय द वे आपके पास, तो ये भी मेक श्योर कीजिएगा, ये जो स्पेस आ रहा है ना ये नहीं आया। एक मिनट, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और मैं जस्ट HTTPS लगा कर देखता हूँ कि वो, क्योंकि स्पेस, ये जो स्पेस आ रहा है ना इतना सारा, दिस इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैं जैसे इसको एस्ट करूँ, एस करके एंटर करता हूँ। अच्छा हाँ, नहीं ये सिर्फ एस का ही मसला था, ये स्पेस शायद वैसे ही शो हो रहा है। सही है, चलो फिर इसको ठीक कर लेना आप। अच्छा, तो अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम ये चैप्टर 9 जो है ना फ्लैश, ये हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, वीडियो और ऑडियो को ज़रा हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है, बट ऐसा उसमें कुछ स्पेशल नहीं है राइट। हम डायरेक्ट चलते हैं ऑडियो और वीडियो वाले पे।
यार एक मिनट, ऑडियो और वीडियो ना HTML5 वाली इस बुक में कवर्ड ही नहीं आई थिंक। नहीं ये फ्लैश वाला ही किया है इसने, ये हम अलग से पढ़ लेते हैं। सही है, ये हम अलग से पढ़ लेते हैं। अच्छा ये तो इंट्रोडक्शन टू CSS पे हम आ गए। सही है जी, HTML5 ऑडियो टैग। अच्छा आपको क्या करना होता है, एक ऑडियो का टैग होता है ठीक है, और इसमें कंट्रोल्स करके जब तक आप नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, वो कंट्रोल्स शो नहीं करता, यानी वो डिस्प्ले नहीं होता। ट्राई इट योर सेल्फ पे चलते हैं ठीक है। अगर मैं ये कंट्रोल्स हटा दूंगा ना इस पे से, तो ये देखें फिर क्या होगा, ये गायब हो जाएगा। रहेगा फिर भी ये, लेकिन गायब हो जाएगा। सम टाइम हमें ऑडियो बैकग्राउंड में प्ले करना होता है, तो हम क्या करते हैं कंट्रोल्स हटा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये मैंने कंट्रोल्स वापस लगा दिया। अच्छा अब इसमें और कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ होगा ठीक है। ये ऑडियो के टैग में जाता हूँ मैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं इसमें। ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट है, कंट्रोल्स है, लूप है, म्यूटेड है और प्री लोड है ठीक है, और SRC है। तो ये सारे आइटम इसके अंदर मौजूद हैं और सबके बारे में लिखा हुआ है कि क्या है। ऑटो प्ले क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। जैसे ही पेज लोड होगा ऑटो प्ले वीडियो को या ऑडियो को स्टार्ट कर देगा ठीक है। अच्छा लेकिन इसके अंदर एक गूगल क्रोम के अंदर अभी रिसेंटली अपडेट आई है, जिसमें होता ही है कि अगर आपने जो है ना ऑटो प्ले करना है तो आपने उसको म्यूट करना होता है। सही है, अगर आप उसको म्यूट करेंगे तभी वो ऑटो प्ले होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा ठीक है। क्योंकि ये इनकन्वीनियंस समझ रहा है गूगल क्रोम इस चीज़ को, कि आप जैसे ही कोई पेज लोड करते हैं और पीछे से म्यूज़िक चलना शुरू हो जाए ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ चल सकती है बैकग्राउंड में जो यूज़र के एम्बियंस को ख़राब करे। मिसाल के तौर पे अभी मैं जैसे एक खामोश जगह पर बैठा हूँ, एक साइलेंट प्लेस पर बैठा हूँ मैं, तो या किसी लाइब्रेरी में बैठा हूँ और मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ और अचानक वो तेज़ आवाज़ में कुछ पीछे बजना शुरू हो जाए, तो दिस इज़ एन इनकन्वीनियंस। तो इस वजह से ऑटो प्ले जो है ना, वो जब तक काम नहीं करेगा जब तक यूज़र ख़ुद से क्लिक ना करे। ये गूगल क्रोम ने बहुत अच्छा काम किया है ठीक है। और अगर आपने ऑटो प्ले करवाना है तो आप क्या करते हैं, म्यूट करके आप ऑटो प्ले करवा देते हैं। म्यूट लगाएंगे तो फिर वो रोकेगा नहीं, फिर वो चला देगा। अच्छा ये हो गया काम। अच्छा ये दूसरा सोर्स इन्होंने दो जो दिया ना, वो सोर्स इन्होंने दो इस वजह से दिया है कि कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जो कुछ ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं होते ठीक है। तो MP3, वैसे तो अभी वो दौर ख़त्म हो गया है कि MP3 सारे ब्राउज़र्स में सपोर्टेड होता है, लेकिन अगर आप कोई लेटेस्ट ऐसा फॉर्मेट देना चाह रहे हैं, जैसे OGG या ACC फॉर्मेट है, तो कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो जदीद फॉर्मेट्स हैं। आप अगर चाहते हैं कि ये वाला पहले चले, तो आप इसको क्या करते हैं, सोर्स डाल के ना पहले इसको रखवा देते हैं, और सेकेंडरी पे आप कोई ऐसा रखवाते हैं जो सब जगह सपोर्टेड होता है। तो ये दो इस वजह से दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आप दो दें, एक भी देंगे तो भी चलेगा। ये मैंने प्ले किया तो ये प्ले हो गया ठीक है। ये इस तरह कंट्रोल ये खुद ही शो होता है, तो बहुत ही सिंपल सा ये ऑडियो टैग है। आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो आप बिल्कुल इसको यूज़ करेंगे फिर। अच्छा अब हम आ जाते हैं वीडियो के टैग में। वीडियो का टैग भी बिल्कुल सेम इसी तरह। अबे चल भाई कहाँ है वीडियो, लास्ट में बिल्कुल। अच्छा ट्राई इट योर सेल्फ में चलते हैं। अच्छा वीडियो का क्या सीन है, वीडियो का टैग है विर्थ और हाइट, इसमें आप एट्रीब्यूट के तौर पे दे सकते हैं ठीक है। ये विर्थ हाइट देने का मकसद भी क्या होता है, कि जब HTML रेंडर हो तो इतनी जगह छोड़ के रेंडर हो राइट। कंट्रोल्स इसमें भी लगाते हैं आप, अगर आप इसमें कंट्रोल हटा देंगे तो क्या होगा, ये कंट्रोल्स इसके गायब हो जाएंगे ठीक है। तो फिर इसको प्ले का बटन कोई प्रेस नहीं कर सकता, फिर कंट्रोल आप लगा देंगे तो ये वापस आ जाएगा, दैट्स इट ठीक है। अभी आप समझ रहे होंगे कंट्रोल हटाने का इसमें क्या सेंस है, मतलब ऑडियो में तो ये ना बैकग्राउंड में प्ले करना है तो कंट्रोल हटा दिए। इसमें ये सेंस है कि सम टाइम ये होता है कि आप ना वीडियो को बैकग्राउंड में या बैनर में आपने लगाया हुआ होता है, तो वो चल रही होती है ऑटोमेटिकली, बगैर आवाज़ के चल रही होती है वो, और आप ये नहीं चाहते कि उसको कोई प्ले या पॉज करे, आप चाहते हैं बस वो बैकग्राउंड में चलती रहे। तो उस केस में आप कंट्रोल्स हटा के उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या सम टाइम ऐसा होता है कि आप कंट्रोल्स हटा देते हैं लेकिन आप अपने कुछ बटन्स बना देते हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसको प्ले और पॉज करवाते हैं ठीक है। तो उस सूरत में भी आप इसके कंट्रोल्स हटा देते हैं, हटा के इसको यूज़ करते हैं। अच्छा सोर्स इसमें भी दो लगा हुआ है, इसमें भी सोर्स दो लगने का रीज़न सेम है कि एक सोर्स अगर सपोर्टेड नहीं होगा तो दूसरा वाला सपोर्टेड होगा, वो चल जाएगा। अब वीडियो के टैग में हम देख लेते हैं मज़ीद कौन से एट्रीब्यूट्स इसमें अवेलेबल हैं। ऑटो प्ले इसमें भी है, और ऑटो प्ले का सेम इसके अंदर सिनेरियो है कि भाई अगर आपने
ऑटो प्ले करवाना है तो म्यूट करके चलाएंगे आप, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगा ऑटो प्ले, गूगल क्रोम उसको नहीं चलाने देगा। कंट्रोल्स हमने देख लिया, हाइट है। अच्छा, लूप क्या करता है? लूप ये करता है कि आपकी वीडियो को क्या रुकने के बाद दोबारा चला देना है। मिसाल के तौर से मैंने एग्जांपल दी कि बैनर पे वीडियो लगी हुई और बैकग्राउंड में आप चाहते हैं बस वो चलती रहे, तो आप लूप को करवा देते हैं ट्रू। उससे क्या होता है कि वीडियो ख़त्म होती है और दोबारा से शुरू हो जाती है, वो रुकती नहीं है। ठीक है, म्यूटेड का मतलब है म्यूट होगी। अच्छा, पोस्टर जो है वो एक URL होगा जिसको हम थंबनेल भी कहते हैं, यूट्यूब में आपने देखा होगा थंबनेल उसको कहा जाता है। तो उसमें पोस्टर के नाम से आप एक URL देंगे, एक इमेज देंगे, जो कि क्या होगा वीडियो के चलने से पहले उधर डिस्प्ले हो रही होगी। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं हमारे। ठीक है, प्रीलोड का मतलब होता है कि स्पेसिफाई इफ़ द ऑथर लिंक थिंग्स द वीडियो शुड बी लोडेड विद द पेज लोडेड। आप नोट करें, जैसे ही मैंने पेज को लोड किया ना, रिफ्रेश किया, तो ये बफरिंग इसकी शुरू में ही हो गई आधी, नोट कर रहे हैं आप? तो ये बफरिंग जो है क्या आधे पे लाके रोक दिया जाए इसको, या इसको जो है पूरा बफर कर लिया जाए? तो अब हम इसको क्या करते हैं, प्रीलोड लगा कर देखते हैं। इस पर प्रीलोड इसी तरह था। हाँ सही है, प्रीलोड ऑटो। ऑटो तो देखते हैं इससे क्या डिफरेंस आता है इसमें। सही है, जैसे ही मैंने प्रीलोड ऑटो किया तो देखो पूरा बफर हो गया, हालांकि मैंने वीडियो को अभी तक प्ले भी नहीं किया, तो पूरा का पूरा बफर हो गया। सही है, तो प्रीलोड करने से क्या होगा कि अगर मतलब 200 MB की या 500 MB की वीडियो है, आप चाहते हैं पेज लोड होते ही ना पहले उस वीडियो को पूरा डाउनलोड कर लिया जाए, ठीक है, तो वो प्रीलोड उसको ना पूरा डाउनलोड कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार वो थोड़ा थोड़ा करके जब बंदा प्ले करे ना जब ही डाउनलोड हो, तो आप क्या करेंगे फिर, ये चीज़ नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, अब इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वीडियो बहुत हैवी और आपने प्री लोड लगाया हुआ है, तो पेज लोड होते ही वो वीडियो को लोड करेगा, तो बैंडविड्थ अच्छा खासा वो यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, अब हो सकता है बंदा कभी उस बटन को प्ले ही ना करे, लेकिन स्टिल वो बैंडविड्थ पूरा 200 MB हर पेज लोड पे वो पूरा 200 MB डाउनलोड करेगा, और वो बैंडविड्थ खाएगा इंटरनेट का के MB यूज़ करेगा वो। ठीक है, अच्छा, ऑन अदर हैंड कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि भाई आपको पता है कि हर दफ़ा बंदा आके ना पहले सबसे पहले उस वीडियो को प्ले करेगा, तो उस सूरत में शायद प्री लोड लगाना जो है वो सही है। ठीक है, तो ये डिफरेंट केस टू केस ये वेरी करेगा कि आप कब आपने ये प्री लोड लगाना है, कब आपने नहीं लगाना। अच्छा, प्री लोड जो है ना ऑडियो के टैग में भी होता है, और ऑडियो के टैग में प्री लोड का सीन क्या है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ऑडियो आप जैसे वो अटेंडेंस की जो हमारी ऐप है जो हम यूज़ करते हैं ना, QR कोड आप आगे करते हैं, जो आपकी हमारी अटेंडेंस वाली ऐप है ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इसको QR कोड दिखाते हैं ना, कोई सा भी QR कोड आप दिखाते हैं इसको, तो टीट एक आवाज़ आती है इसके अंदर। ठीक है, अभी मेरे पास कोई QR कोड नहीं है, वरना मैं स्कैन करता अभी। वेल, आप सब लोगों को पता है, तो इसमें टीट आवाज़ आती है, तो वो एक्चुअली वो क्या है, वो एक ऑडियो का टैग है बैकग्राउंड में लगा हुआ है, और उस पर कंट्रोल्स नहीं लगे हुए तो वो दिखती रहा कहीं पे वो बैकग्राउंड में, तो उस पर मुझे चाहिए कि वो जैसे ही पेज लोड हो ना उसको बफर कर ले। वो टीट वाली जो आवाज़ है ना, वो KB छोटी सी है, बहुत छोटा सा उसका साइज़ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही स्कैन हो ना फ़ौरन वो टीट करे, ये नहीं कि जैसे ही स्कैन हो फिर वो उसको डाउनलोड करे उस ऑडियो को, उसमें तो वो फिर टीट थोड़ी देर में आएगा, हो सकता है 1 सेकंड के बाद वो टीट की आवाज़ आए। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही स्कैन हो ना फ़ौरन टीट करे वो, तो इसलिए उसको प्रीलोड करके रखना ज़रूरी है। तो प्रीलोड इस तरह के केसेस में बड़ा यूज़फुल होता है। ठीक है, ये तो हमने ये ऑडियो और वीडियो का टैग ना अलग से पढ़ लिया, और आपने देखा कि ये बहुत ईजी था। सर, वीडियो की रेजोल्यूशन लो करनी पड़ेगी या जैसे इमेज में लोड होने पर टाइम लगेगा? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमने इमेज में तो ये काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी कि भाई जिस साइज़ में आपको डिस्प्ले करना है उसी साइज़ में आपकी इमेज होनी चाहिए, तो वीडियो के लिए भी ये बात ट्रू है कि जिस साइज़ में आपने वीडियो को डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, आपकी वीडियो उसी साइज़ की होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको अपने पेज में जैसे इतने साइज़ पे दिखाना है, जैसे ये छोटा स्क्वायर है ना, इतने साइज़ पे कोई वीडियो प्ले करनी है, और आपने उसको ना 720 पिक्सल की वीडियो आप लगाई हुई है आपने, और छोटा करके आप डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि आपका बैंडविड्थ डाउनलोड करने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और छोटा करके आप प्ले कर रहे होते हैं तो उसका उस बैंडविड्थ के इस्तेमाल होने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो ऐसा केस अगर आपके पास होगा तो आप उस वीडियो की रेजोल्यूशन को कम करेंगे, उस वीडियो के साइज़ को कम करेंगे आप, उसके बाद आप उसको उस पे लगा रहे होंगे।
अच्छा, हमने फ़ोटो का साइज़ कम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर देखा था, फोटोपिया, लेकिन वीडियो का साइज़ कम करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन ऐसा कोई टूल मेरे जहन में नहीं है फ़िलहाल। वेल, वो कुछ वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब इसमें तो पता नहीं कौन से आ रहे हैं, ये तो मैंने अभी नाम भी नहीं सुने। ठीक है, वेल, मैक में फाइनल कट प्रो होता है एक, और उसके अलावा हमारे पास एडोबी का जो है वो है यार, प्रीमियर, एडोबी प्रीमियर। तो इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वीडियो के रेजोल्यूशन को कम करने के लिए। वेल, आम तौर पे ये होता है कि वीडियोग्राफर जो होता है वो आपको साइज़ डिफरेंट बना कर दे देता है। तो अगर आपको ख़ुद ये नहीं आता कि वीडियो का साइज़ कम ज़्यादा कैसे होगा, तो आपका जो भी वीडियोग्राफर है जिससे आपने वीडियो बनवाई है, तो आप उसको कह देंगे कि यार आप ना मुझे वेब में लगाना है, इतने बाई इतने पिक्सल पे लगाना है, तो आप मुझे वेब के हिसाब से बना कर दे दो। ठीक है जी, और अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप ख़ुद से उसको गूगल कर लें कि इसका साइज़ कम कैसे होगा। अच्छा जी, तो अब हमारे पास आ चुका है चैप्टर नंबर 10, इंट्रोडक्शन टू CSS। अच्छा प्यारे दोस्तों, आपकी क्लास है अभी यहाँ पर। अच्छा, आप एक काम करें ना, आप वहाँ साइड पर बैठ जाएं या उधर चले जाएं, ताकि ना ये ऑनलाइन क्लास हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, तो जी चैप्टर नंबर 10 है कि CSS क्या चीज़ है, हाउ CSS वर्क्स। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसमें ये सारी बातें डिस्कस होंगी कि CSS में शुरू शुरू जो आपको जानने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर्ड हैं। इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट हाउ टू मेक योर वेब पेज मोर अट्रैक्टिव, कंट्रोलिंग द डिज़ाइन ऑफ देम यूजिंग CSS। अच्छा, तो जैसा कि हमें पता है कि CSS स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप ना अपने पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि वो कैसे होता है वो। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने एक जुमला यूज़ किया, कंट्रोलिंग द डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन की एक छोटी सी डिस्कशन हमने शायद पहले की है इस क्लास में, प्लीज़ कन्फर्म कीजिएगा कि हम डिज़ाइन पे कोई डिस्कशन की है हमने। व्हाट इज़ डिज़ाइन? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा, तो मुझे याद दिलाइएगा, हम इंशाल्लाह डिज़ाइन की एक डिस्कशन है वो हम करेंगे। वो बुक में नहीं है चीज़ मौजूद, लेकिन वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ डिज़ाइन। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कर पाएँ। अच्छा, ये इन्होंने एक वेब पेज बनाया हुआ है। ठीक है, जैसा कि हर चैप्टर के शुरू में एक वेब पेज ये बनाकर दिखाते हैं आपको, और आपसे उम्मीद करते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर एटलीस्ट आप इतना कर लें। तो इन्होंने कलर ऐड किया हुआ है हेडिंग्स में, और पैराग्राफ भी पूरा ब्लैक नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप इस वाले ब्लैक को अगर देखें, इस ब्लैक को देखें, तो ये पैराग्राफ कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, बल्कि अभी ये डार्क ब्राउन का कोई शेड है। तो कलर्स इन्होंने ऐड किए हैं एक्चुअली। अच्छा, कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग CSS, CSS क्या चीज़ है, उसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स। जैसे कहते हैं ना कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये आपको बता रहे हैं कि थिंक इनसाइड द बॉक्स। तो CSS को समझने के लिए ना आपको बॉक्स को समझना पड़ेगा। तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि हर चीज़ जो है ना एक बॉक्स के अंदर है। ठीक है, द की टू अंडरस्टैंडिंग हाउ CSS वर्क्स इज़ टू इमेजिन दैट देयर इज़ एन इनविजिबल बॉक्स अराउंड एवरी HTML एलिमेंट। ठीक है, अब आप मुझे बताएं इसके अंदर कितने HTML के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। नंबर एक H1 नज़र आ रहा है आपको, एक हेडिंग है। उसके बाद नंबर टू, यहाँ पे एक पैराग्राफ है। नंबर तीन एक और पैराग्राफ है। नंबर चार एक और पैराग्राफ है। अच्छा, इसके अलावा कोई एलिमेंट नज़र आ रहा है आपको?
अंडरलाइन अंडरलाइन का एक एलिमेंट है, यू का एक मार्कअप है जो कि पैराग्राफ के अंदर लगा हुआ है। और कोई मार्कअप? सब बॉक्स बना रहा अच्छा, ये अगले पेज पे आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये एक इनविजिबल बॉक्स आपने कंसिडर करना है कि हर एलिमेंट के अराउंड एक इनविजिबल बॉक्स है। ठीक है, तो अब ये इन्होंने यही पूरी बात लिखी है यहाँ पे कि ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप चाहें तो इस टेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा। तो वेल, CSS अलाउ यू टू क्रिएट रूल्स दैट कंट्रोल द वे ईच इनविजिबल बॉक्स एंड कंटेंट ऑफ दैट बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड। अब ये इनविजिबल बॉक्स तो पहले से बना हुआ है, ये हमने नहीं बनाया, ये जब हम HTML यूज़ करते हैं तो ये बना हुआ होता है। इसको हम अगर देखना चाहें, यहाँ पे हम अपनी लास्ट वाली वेबसाइट खोल लेते हैं जो हमने बनाई थी। ओके, ठीक है जी, ये हमारी लास्ट थी, फॉर्म्स करके हमने ये बनाई थी वेबसाइट। ठीक है, तो अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्शन इसकी करें और इस वाले को पकड़ें, हम ये सेलेक्ट एन एलिमेंट का जो टूल है इसको पकड़ें और हम लेकर जाएंगे ना जहाँ जहाँ पर, तो आप देखें हर चीज़ के अराउंड एक बॉक्स बना हुआ है। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। ठीक है जी, ये कमेंट एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये पूरा डब्बा एक और बॉक्स है। देख रहे हैं आप, हर चीज़ के अराउंड एक बॉक्स बना हुआ है। अब जिस जिस के अराउंड एक बॉक्स बना हुआ है उस चीज़ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो वाली बात भी शायद समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डिवाइस डू यू लिसन टू म्यूज़िक ऑन। अब अगर मुझे सिर्फ म्यूज़िक पे कोई स्टाइलिंग करनी है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इस म्यूज़िक के अराउंड कोई अलग से बॉक्स नहीं बना हुआ। ठीक है, तो इस पर मैं स्टाइलिंग जाहिर नहीं, या पूरे मैं इस पूरी लाइन पर स्टाइलिंग करूँगा, मैं सिर्फ म्यूज़िक पर मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें स्पैन को रैप करूँगा या कुछ करूँगा, जैसे कि यहाँ पे बताया था ना इन्होंने। अब देखो, म्यूज़िक के अराउंड मैं स्पैन लगा दूँगा तो यहाँ पे वो विजिबल हो जाएगा। एक ठीक है, और ये क्या किया मैंने, इसको एज HTML क्यों नहीं पकड़ा इसने, एडिड एज HTML। ओके, ठीक है। अब अगर हम इसको देखो सेलेक्ट एन एलिमेंट करेंगे ना, तो म्यूज़िक के ऊपर एक अपना बॉक्स है और बाकी पूरी लाइन पे एक अलग बॉक्स है। सही है, अब हम सिर्फ इस म्यूज़िक पे अगर चाहें तो कोई स्टाइलिंग कर सकते हैं। वेल, तो हमने ये देख लिया कि जो इनविजिबल बॉक्स है हमारे पास वो पहले से बना हुआ है, हमें कुछ नहीं करना उसको बनाने के लिए। हमें अब जस्ट क्या करना है, हमें CSS के रूल्स लिखने हैं जो कि क्या करेगा, कंट्रोल द वे दैट ईच इंडिविजुअल बॉक्स एंड इट्स कॉन्टेंट इज़ रिप्रेजेंटेड। अब हमने ऐसा लगाना है कि हम इस पर रूल लगाएंगे, हम बोलेंगे इसको ऐसा बना दो। मिसाल के तौर पे हम बोलेंगे कि यार H1 पे कलर फलां कर दो कलर, ठीक है, H1 पे फॉन्ट स्टाइल फलां कर दो। ठीक है, तो हम इस तरह बोलते जाएंगे और वो होता जाएगा। अच्छा, अब CSS के ये रूल लिखे कैसे जाते हैं ज़रा वो हम देख लेते हैं। CSS एसोसिएट्स स्टाइल रूल्स विथ HTML एलिमेंट्स। क्या करता है CSS का काम क्या होता है कि एसोसिएट हो जाता है स्टाइल का जो रूल हर HTML एलिमेंट के साथ, ठीक है, वो जिसके साथ हम ज़ाहिर लगाना चाहें हम। तो मतलब हम कैसे करके लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई पैराग्राफ P, ठीक है, ये सेलेक्टर है यानी कि मेरा एक मार्कअप का नाम है, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन बड़ी और ब्रैकेट बड़ी क्लोज, और उसके सामने मैंने क्या कर दिया, एक डिक्लेरेशन कर दी कि भाई पैराग्राफ जो है उसकी फॉन्ट फैमिली होगी एरियल। ठीक है, CSS वर्क बाई एसोसिएटिंग रूल विथ HTML एलिमेंट्स। CSS इसी तरह काम करता है कि हर HTML एलिमेंट के साथ हम कुछ रूल एसोसिएट करते हैं। दिस रूल्स गवर्न हाउ द कॉन्टेंट ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड।
और यही रूल से पता चलता है ब्राउज़र को मेरे, कि हर HTML एलिमेंट को दिखाना कैसे है स्क्रीन के ऊपर। अ CSS रूल कंटेन टू पार्ट्स, सेलेक्टर एंड अ डेक्लेरेशन। ठीक है, सेलेक्टर आपको पता चल गया, डेक्लेरेशन पता चल गया आपको, ठीक हो गया जी। तो हम इतना काम जो है ना, ये वाला काम जो है, इतने काम को हम ज़रा करके देख लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं इससे। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं कह देता हूँ कि HTML5। ये तमाम का तमाम जो आपका पहले का कंटेंट है ना, ये मैं इसके अंदर मूव कर रहा हूँ। उससे होगा ये कि हमारा ज़रा क्लीन हो जाएगा, ये रूट हमारा क्लीन हो जाएगा। HTML का सारे कैपिटल होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद मैं एक बनाने लगा हूँ अब दूसरा फोल्डर, 2.css3। ठीक है जी, तो अब इस CSS के अंदर ना मैं बनाऊँगा हेलो वर्ल्ड, और इस हेलो वर्ल्ड के अंदर मैं बनाऊँगा एक अदद index.html। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड के साथ मैं कुछ और भी बना दूंगा। सही है, तो हमारे पास CSS के अंदर अभी दो तीन फोल्डर इस तरह हम बनाते चले जाएंगे। अच्छा, अब ये हेलो वर्ल्ड में मैंने HTML की एक फाइल बना दी है, और मैंने क्या कर दिया, बेसिक HTML एक यहाँ पे लिख दिया, और मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी कि इंट्रोडक्शन टू CSS। ठीक हो गया जी, और इंट्रोडक्शन टू CSS के बाद मैंने यहाँ पे एक अदद पैराग्राफ लिख दिया, जो मैं कहाँ से उठा के ले आऊँगा, ये मैं बुक से उठा के ले आता हूँ। ठीक है, ये मैंने इधर एक अदद पैराग्राफ लिख दिया, और मैंने इसको क्या कर लिया, लाइव सर्वर के ज़रिए इधर ओपन कर लिया। तो मेरे पास एक अदद क्या है, हेडिंग है, और एक अदद मेरे पास पैराग्राफ है। अच्छा, अब आगे क्या करना है इसके साथ, मैंने इस पर CSS का ये वाला सेलेक्टर लगाना है। अच्छा, CSS का सेलेक्टर लगाने के मेरे पास ना दो तरीके हो सकते हैं। नंबर एक तरीका ये हो सकता है कि मैं हेड में जाऊँगा, इस स्टाइल का टैग लगाऊँगा ऐसे, ओपन और क्लोज करूँगा, उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा पैराग्राफ को क्या कर दो, कलर रेड कर दो इसका। सही है, मैंने बोला सेलेक्टर पैराग्राफ और कलर रेड कर दो इसका। बाकी हम देखेंगे तो यहाँ कलर रेड इसका हो चुका है। ठीक है जी, तो एक इसका ये तरीका हो सकता है कि आप ऐसे करके इसको जो भी स्टाइल दे दें। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे मैं कॉमा डाल के कुछ और सेलेक्टर भी दे सकता हूँ। मैंने कहा H1 को भी लाल कर दो, पैराग्राफ कॉमा H1 सबको लाल कर दो। ठीक है, ऐसे दो दो लाइन में, जैसे बुक में इन्होंने बताया हुआ एग्जैक्टली हम वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा तीन एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है, और एक से ज़्यादा स्टाइलिंग भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने एक तो दोनों को लाल कर दिया, और मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोनों को जो है ना क्या कर दो आप, टेक्स्ट डेकोरेशन, और मैंने कहा कि भाई डैश्ड, ओ नहीं, अंडरलाइन कैसे होता है यार, ये अंडरलाइन अंडरलाइन कर दिया मैंने, सही हो गया। तो मैंने दो स्टाइलिंग लगा ली। अच्छा, आपने देखा था एक अंडरलाइन का यू का टैग था, उससे भी अंडरलाइन हो जाता था। ठीक है, एक हमारे पास अभी ये वाला भी है, टेक्स्ट डेकोरेशन भी है, जिससे अंडरलाइन हो जाता है। तो मैंने दो स्टाइलिंग लगा दी, आप देखें दोनों पे दोनों स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। तो ये हमने हेलो वर्ल्ड अपना कर लिया है, किसका, CSS का हेलो वर्ल्ड कर लिया। अच्छा, इसको अप्लाई करने का एक तरीका और भी हो सकता है, जो कि रेकमेंडेड है। ठीक है, ये वाला तरीका इज़ नॉट रेकमेंडेड। सही है, ये तरीका जो है नॉट रेकमेंडेड है। ठीक है, और यही वजह है कि मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ इस तरीके को, ये तरीका नॉट रेकमेंडेड होने की वजह से। सही है, ये तरीका जो है नॉट रेकमेंडेड है। अच्छा, अब रेकमेंडेड तरीका जो है वो कौन सा है, वो भी देख लेते हैं। रेकमेंडेड तरीका जो है वो आपका, वो क्या है, लिंक ऐसे करके लगेगा। ठीक हो गया जी,
और मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, मैं एक फ़ाइल बना दूँगा, मैं बोलूँगा स्टाइल स्टाइल्स डॉट सी एस एस, राइट, स्टाइल्स डॉट सी एस एस, और मैं कहूँगा डॉट स्लैश स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ठीक हो गया जी। ये है रेकमेंडेड तरीका। और इस स्टाइल्स डॉट सी एस एस में आके मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एच वन पे और कॉमा और पैराग्राफ पे, और आप क्या लगा दो उसका कलर आप कर दो ग्रे कर दो, ठीक हो गया। दोनों का कलर मैंने ग्रे करवा दिया। साथ साथ मैं क्या करूँगा एक काम और, कि इन दोनों को हम टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना वो यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक हो गया। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो गई है, ठीक है। तो ये हमने जो लगाया है इस वाले, हम सी एस एस को लगाने को कहते हैं एक्सटर्नल सी एस एस फाइल, ठीक है। अच्छा ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इंटरनल सी एस एस कह लें, फाइल तो खैर नहीं है ये, और ये नॉट रेकमेंडेड है। अब ये रेकमेंडेड वाला जो, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, सही है, ये है रेकमेंडेड। अच्छा एक तरीका और भी है सी एस एस को अप्लाई करने का, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि पता होना चाहिए कि इस तरह भी लग जाता है। कल को आप किसी के कोड में देखें ना इस तरह लगा हुआ, आप बोले अरे ये क्या हुआ हुआ, तो ऐसा वाला ना हो। इस वजह से ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि यार ऐसे करके हो जाता है ये। तो रेकमेंडेड तरीका भी बता दिया मैंने आपको, एक तरीका और भी है इसको लगाने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या तरीका है, और वो भी नॉट रेकमेंडेड है। मैं यहाँ से एक और पैराग्राफ उठाता हूँ, यार ये कैसे कॉपी हुआ है, अजीब सा कॉपी हुआ है। वेल सही है, ये मैंने एक हेडिंग और लगा दी इसके ऊपर। अभी इस हेडिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई हुई है, ठीक है। अब मैं आगे क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाऊँगा और मैं कहूँगा कलर, सही है। और कलर लगाने के बाद मैं इसको क्या बोलूँगा कि ठीक है, ग्रीन कर दिया मैंने उसको, ठीक है जी, ये ग्रीन हो गया। इस वाले तरीके को हम कहते हैं इन लाइन सी एस एस, ठीक है, और ये भी नॉट रेकमेंडेड है, ठीक है। अच्छा इन लाइन सी एस एस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई बिल्कुल छोटी सी चेंज करना है, छोटी सी चेंजेस करनी है, और मैं उसके लिए फ़ाइल तक नहीं जाना चाह रहा हूँ, या कोई भी रीज़न है मेरे पास ऐसा, तो मैं उसको फिर यहाँ पे कर लेता हूँ। लेकिन कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि हम यहाँ पे इसको ना करें, ठीक है। अब इसके डाउन साइड्स क्या हैं वो अभी हम एक्सप्लोर नहीं करते, ये डाउन साइड्स हमें जब हम क्लास पढ़ेंगे ना, इसकी जो क्लास वाला एट्रीब्यूट है, जब उसके बारे में जिक्र करेंगे तो हमें फौरन ये पता चल जाएगा कि इसके डाउन साइड्स क्या है ना, जो दोनों नॉट रेकमेंडेड है ना, उन दोनों का डाउन साइड हमें उस वक्त पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मैं कलर के साथ साथ इस पर क्या लगा देता हूँ, मैं इस पर भी लगा देता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगा देता हूँ ना इस पर मैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि भाई कैपिटलाइज, कैपिटलाइज से क्या होता है, ये सारे को ना कैपिटल करके दिखा देगा। क्यों नहीं दिखाया भाई इसने। अच्छा कैपिटलाइज होता है कि पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देगा, इसको अपर केस करेंगे हम, अपर केस से सारे कैपिटल हो जाते हैं, सही हो गया। तो ये मैंने सारे को कैपिटल कर दिया। तो इस पे भी मैंने दो स्टाइल अप्लाई किया, कलर अप्लाई किया है और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। सेम उसी तरीके से इस पे स्टाइलिंग लग रही है, लेकिन ये जस्ट क्या है, इसको इन लाइन स्टाइलिंग कहते हैं, ठीक है, या इन लाइन सी एस एस कहते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो कंप्लीट हो गया सी एस एस का। हमने सी एस एस को लगाना सीख लिया, अप्लाई करना सीख लिया है,
आई होप कि आप सब लोग थोड़ा बहुत CSS पहले ही अप्लाई कर चुके होंगे, क्योंकि आप सब लोगों ने जो वेबसाइट्स बनाई थी एज असाइनमेंट, उसमें मैंने देखा था कि काफ़ी सारी CSS आप लोगों ने अप्लाई की हुई है उसमें, ठीक है। बट आपको अभी क्या पता चल गया कि ये तीन तरीके से जो अब आप इंटरनेट से जब आप देख रहे होंगे ना, तो कहीं पे आपको ऐसे दिखा रहा होगा वो CSS लगाना, कहीं पे ऐसे बता रहा होगा, और कहीं पे आपको ऐसे करके बता रहा होगा। तो आपके जहन में शायद कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बनी होगी कि यार ये तीनों तरीके में क्या फ़र्क है, और ये हर बंदा अलग अलग क्यों बना रहा है, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया आपके भाई आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे जो प्रॉपर्टी का नाम है ना कलर, वो यहाँ पे भी सेम है और वो यहाँ पे भी सेम है और वो इस फाइल के अंदर भी सेम है। तो अगर आपको इस मिसाल के तौर पे कोई CSS आप तलाश कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी का नेम आपको पता चल गया और उसकी वैल्यू पता चल गई है, तो इट डज़ेंट मैटर कि वो आप तीनों जगह पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप एक्सटर्नल फाइल का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया जी, अब हम आते हैं ज़रा अब अपने इस पे चैप्टर पे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो डेक्लेरेशन है ना, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होती है प्रॉपर्टी, एक होती है वैल्यू, ठीक है। तो हर डेक्लेरेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, एक वैल्यू होता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई बंदा कह रहा है कि CSS डेक्लेरेशन, अब मिसाल के तौर पर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, ठीक है, यूरोप का, USA का कोई क्लाइंट है, कोई दुबई का क्लाइंट है, ठीक है, जाहिर है वो एक्सपर्ट होगा अपनी फील्ड में, क्योंकि वो एक बिज़नेस रन कर रहा है सॉफ्टवेयर रिलेटेड। जब वो आपसे बात कर रहा होगा, या मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते वक्त सम टाइम आपको डिज़ाइनर्स से भी गुफ्तगू करनी पड़ती है, सम टाइम फेलो डेवलपर्स से आपको गुफ्तगू करनी पड़ती है, सम टाइम आपका इंचार्ज आपसे बात कर रहा होता है, ठीक है, या टीम लीड होता है कोई, वो आपसे बात कर रहा होता है, तो वो तो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेगा ना अपनी बातों में। अब आपको अगर यही नहीं पता कि CSS की डेक्लेरेशन क्या होती है, तो आप क्या होंगे वहाँ पे, उसकी बात को सही तरह से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे इंजीनियर्स आपस में जो वो मैथ की ज़ुबान में बात करते हैं, ठीक है, अब वो बात करते हैं कि भाई इतने डिग्री घुमा दो, अब डिग्री बोले बगैर उसको कैसे बताएगा बंदा कि इतने डिग्री। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको इसलिए पता होनी चाहिए, क्योंकि मिसाल के तौर पे एक सीढ़ी बनानी है, ये पहले भी शायद मैंने आपको एग्जांपल दी थी, टर्मिनोलॉजीज़ आपको इसीलिए पता होनी चाहिए कि अब एक इंजीनियर है, उसने जो काम करने वाला मजदूर है, या जो काम करने वाला जो ऑन जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, उसको बताना है कि यार 45 डिग्री पे ये बनानी है सीढ़ी आपने, ठीक है, लैडर सीढ़ी जो है 45 डिग्री पे बनानी है। अब वो बग़ैर डिग्री का वर्ड या बग़ैर डिग्री की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए हुए वो ये कैसे बताएगा कि 45 डिग्री करना है उसको, ठीक हो गया ना। तो वो उसको हाथ से इशारे करेगा, कुछ करेगा, फिर ये इशारा कुछ और करेगा, वो समझेगा कुछ और, आखिर में बन जाएगा कुछ और वो, सही है। तो इस वजह से टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सही तरह से बात को कन्वे किया जा सके और एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर की बात को सही तरह से समझ सके। ठीक हो गया जी, तो ये पहला चैप्टर भी यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये वाला काम जितना हमने किया है यहाँ पे, वो आप कोशिश कीजिएगा कि वो आप भी कर लें। नहीं, कंप्लीट तो नहीं हुआ, ये कुछ और भी आ गया अभी। अच्छा, यहाँ पे ये वही बात बता रहा है कि एक्सटर्नल CSS एक हो सकती है, ठीक है, ठीक हो गया जी। टाइप और रिलेशन दो चीज़ लगाई है ना इसने, हमने भी यही दोनों चीज़ें लगाई हैं। अच्छा, इसकी टाइप भी एक इन्होंने बताई हुई है, वो इन्होंने ख़ुद से मेंशन नहीं किया यहाँ पे। एक मिनट, टाइप में इन्होंने क्या रखा हुआ है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दिस डॉक्यूमेंट बिंग लिंक द वैल्यू शुड बी टेक्स्ट स्लैश CSS, ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट स्लैश CSS होना चाहिए, कि ये एक टेक्स्ट फाइल है और ऐसे करके, ठीक है। तो ये बुक में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख के इसको देख के लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उसके अलावा है इंटरनल CSS, जो हमने देखा है स्टाइल का टैग लगा के इस्तेमाल होती है, और हमारे पास एक आदत है भाई इन लाइन CSS, जिसका यहाँ पे इन्होंने ज़िक्र नहीं किया है, ठीक है, उसका ज़िक्र शायद कहीं आगे जाके करेंगे ये। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास होते हैं CSS के सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। CSS का जो सेलेक्टर होता है वो क्या होता है, अब उसको आप अच्छे से समझ लें कि हमारे पास देखें कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक H1 है जिस पे ID लगी हुई है टॉप, उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ है जिस पे ID लगी हुई है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक क्लास लगा हुआ है जिसमें नोट लिखा हुआ है, ये इसको आइडेंटिफाई करने की ना ये IDs हैं काइंड ऑफ। तो अभी तो हमने जो सेलेक्टर लगाया था उसमें तो हमने एलिमेंट का नाम लिख दिया था कि भाई H1 पे ये लगा दो, पैराग्राफ पे ये लगा दो, तो हमने तो ये बात लिखी थी। लेकिन अभी सेलेक्टर्स को हम ज़रा देख लेते हैं कि ये और कौन कौन से सेलेक्टर लग सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिवर्सल सेलेक्टर,
ठीक है, स्टैरिक लगा के आप जो भी बात लिखेंगे वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट पे HTML है ना, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक एक नया बना लेते हैं फोल्डर, हम इसको कह देते हैं कि भाई CSS सेलेक्टर्स। ठीक है, और हम CSS सेलेक्टर में आके index.html अच्छा, मैं जो है ना थ्रू आउट द क्लास कोशिश करूँगा कि मैं इंटरनल CSS का इस्तेमाल करूँ, बावजूद इसके कि ये नॉट रेकमेंडेड है। ठीक है, अब लेकिन नॉट रेकमेंडेड क्यों है वो अभी तक हमने एक्सप्लोर भी नहीं किया, वो हमें अभी बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये नॉट रेकमेंडेड क्यों है। अच्छा, मैं इंटरनल CSS इसलिए इस्तेमाल करूँगा थ्रू आउट द क्लास क्योंकि मेरे लिए ना शायद ये ईजी रहता है कहीं ना कहीं, मतलब पढ़ाने के अतबार से, आपको समझाने के अतबार से, अगर एक ही स्क्रीन पर बात लिखी हुई हो ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, दूसरा ये कि क्लास में हम बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखते हैं, क्लास में आज तक हमने जो कोड लिखा है वो 50-60 लाइनों से ऊपर नहीं जाता कभी भी। ठीक है, तो इसका नॉट रेकमेंडेड होने का एक रीज़न ये भी होता है कि स्टाइलिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, रियल वेबसाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग होती है और आपका कोड भी जो है वो 400-500 या 600 लाइन तक का हो सकता है जो HTML का कोड है। ठीक है, तो आपकी ये फ़ाइल ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि अगर आपकी फ़ाइल ना 1000 लाइंस तक चली जाए तो आपको क्या करना चाहिए कि उस फाइल को फिर स्प्लिट कर लेना चाहिए दो अलग अलग फाइलों में। ठीक है, तो 1000 लाइन तो हम कभी भी नहीं जाते क्लास में, तो हमारे लिए इन लाइन जो CSS है इस केस में देखा जाए, जो कहते हैं ना कि फ़ाइल बहुत बड़ी हो जाती है, तो वो तो हमारी क्लास में तो कभी भी नहीं होगा वो। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा कोड करते हैं, मेरा तरीका यही है पढ़ाने का कि थोड़ा सा कोड करो और उसको अच्छे से समझा दो। तो मैं इन लाइन CSS इस्तेमाल करूँगा लेकिन ये प्रोडक्शन के कोड में नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे दो पैराग्राफ्स लगा लिए हैं CSS सेलेक्टर आपको समझाने के लिए, इसको मैं रोक के चलाता हूँ दोबारा से। ठीक है जी, तो ये CSS सेलेक्टर वाला जो मैंने फ़ाइल बनाई है वो यहाँ पे आ चुका है। सर एक बार रिमाइंड करवा दें तो बेहतर है, क्या चीज़ रिमाइंड करवा दें, 330 नॉट येट, नहीं अभी तो ये हमने डिज़ाइन की डिस्कशन के बारे में शायद आप कह रहे हैं, तो ये हम डिज़ाइन की डिस्कशन इंशाल्लाह दोबारा करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, हमने शायद नहीं किया आपकी क्लास में। वेल, तो डिज़ाइन क्या चीज़ है ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने पूरे करियर के दौरान ना डिज़ाइनर से काफ़ी दफ़ा कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो वो डिज़ाइनर किस तरह से सोचते हैं और वो डिज़ाइन किस चीज़ को कहते हैं ये आपको थोड़ा सा इंट्रो होना चाहिए इसका, जो कि आपकी बुक में ये बात कवर्ड नहीं है। अच्छा जी, तो एक तो हमने देखा कि यार यूनिवर्सल सेलेक्टर है, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है भाई, स्टैरिक लगाया और ऐसे करके लगा दिया। अब इस पे देखो मैं कोई भी बात लिखूँगा ना तो वो तमाम सेलेक्टर, ये तमाम CSS पे अप्लाई हो जाएगा, तो मैंने इसको बोला कि यार टेक्स्ट डेकोरेशन और सॉरी फॉन्ट वेट होता है जो बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, फॉन्ट वेट और मैंने कहा बोल्ड। ठीक है, तो आप देखें ये सारा का सारा बोल्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टैरिक लगाया तो ये सब पे अप्लाई हो गया। अच्छा, ये स्टैरिक जो है ये क्या है, ये नॉट रेकमेंडेड है, इससे कोशिश करना चाहिए कि भाई बचें हम। ठीक है, स्टैरिक करके हम आमतौर पे कोई भी चीज़ नहीं लगा रहे होते हैं, यानी सिर्फ जिस तरह स्टैरिक मैंने यहाँ पे किया हुआ इस तरह करके नहीं लगा रहे होते। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट करने का तरीका इसको क्या है कि भाई सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश मैंने दबाया तो ये कमेंट हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगला सेलेक्टर हमारे पास कौन सा है। अगला सेलेक्टर हमारे पास है टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर हम ऑलरेडी लगाकर देख चुके हैं कि भाई H1, H2, H3 जो भी एलिमेंट्स के नाम है मेरे, वो नाम मैं लिख दूंगा तो मेरा काम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम अभी थोड़ी देर पहले हमने लगा कर देखा, इसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है, मैचेस द एलिमेंट नेम, एलिमेंट के नाम को ये मैच करता है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या करता है, ऐसे डॉट करके मैं लगाता हूँ और मैं कोई भी एक क्लास बना देता हूँ और वो मैं बताता हूँ कि इस वाली क्लास का क्या करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम ज़रा और इस पे किसी एक को हम क्लास दे देते हैं। मैं एक क्लास बना देता हूँ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ना, हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट बना देता हूँ। हाईलाइट को मैं क्या कहता हूँ कि यार बैकग्राउंड कलर जो है ना आपका, वो हो जाए पीला, रेड। मतलब हाईलाइट तो हाईलाइटर ऐसा ही होता है ना। मैंने कहा भाई बैकग्राउंड में ये वाला कलर हो जाए और बस इतना अगर हो गया तो वो हाईलाइट हो जाएगा, इसका मतलब है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जो है ना इस वाले पार्ट को क्या करना है, हाईलाइट करना है इतने पार्ट को। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो बनाऊँगा स्पैन एक अदद। सही है, एक अदर स्पैन बना दिया मैंने। उसके बाद इसमें आगे क्लास दे दूंगा कि ये क्या है, हाई LIGHT हाईलाइट। तो आप देखें क्या हो गया, इतना पार्ट जो है वो हाईलाइट हो गया। ठीक, अच्छा, अब ये क्लास देने का बेनिफिट मेरे पास ये है कि मैं ये हाईलाइट कहीं पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं इधर आया, मैंने कहा भाई ये मुझे ना CSS सेलेक्टर पर ये काम करना है। सही है, इसको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो अब ये क्लास मैं जहाँ जहाँ लगाता जाऊँगा वहाँ वहाँ पे वो हाईलाइट होता चला जाएगा। सही है, इमेजिन करें कि अगर मैं पूरे पे लगा दूँ, इस पे लगा दूँ मैं क्लास हाईलाइट, तो ये पूरा ही हाईलाइट हो गया। सही है, तो क्लास बनाने का बेनिफिट भी आपको काइंड ऑफ समझ आ गया होगा कि क्लास बनाने का बेनिफिट क्या है, कि एक और दो ऐसे करके मैंने बना दिया। ठीक है, और इंट्रोड्यूसेस पे भी मैं लगा देता हूँ ज़रा। एक दो जगह पे ना और हाईलाइट लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने तीन जगहों पे हाईलाइट लगा दिए। ओके, क्लास का हमने सेलेक्टर देख लिया कि क्लास का सेलेक्टर कैसे काम करता है। क्लास का सेलेक्टर वो सेलेक्टर है जो शायद सबसे ज़्यादा यूज़ होता है CSS में और काफ़ी जगहों पे यूज़फुल रहता है ये। अच्छा, तो एक तो हमने देखा कि यार ऐसे करके आप लगाते हैं, डॉट क्लास करके लगाते हैं आप। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये करना है कि किसी ख़ास पैराग्राफ के अंदर जो हाईलाइट लगा हुआ है ना, उस पे कोई काम करना है मैंने। ठीक है, तो मैं आके बोलूँगा कि यार पैराग्राफ के ऊपर जो हाईलाइट है ना, उस पे ये काम करो। ठीक हो गया, तो ये स्पेस आएगा यहाँ पे, तो ये पैराग्राफ के ऊपर ही काम करेगा। अगर मैं वैसे कहीं पे हाईलाइट लगा दूं तो ये काम नहीं करेगा। फिर क्लास हाईलाइट ये इधर काम ही नहीं करेगा। सही है, ऊपर ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने सेलेक्टर बताते हुए क्या लिखा है, मैंने कहा कि एक पैराग्राफ होगा उसके ऊपर जब हाईलाइट लगेगा तो उस पर ये कलर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई कि हम ऐसे करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हाईलाइट की क्लास कहीं पे भी हो तो मैं उसको नहीं लगाना चाहता, मैं कहता हूँ सिर्फ पैराग्राफ के अंदर हो। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं भाई, हमारे पास है ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर को हैश करके हम लगा रहे होते हैं ना। ठीक है, हैश करके ऐसे हम लगा रहे होते हैं ID सेलेक्टर। अच्छा, तो मैंने क्या दे दिया, मेरे पास एक और हेडिंग थी यहाँ पे, मिसाल के तौर पे H2 करके मैंने एक हेडिंग लगाई हुई थी, और इस हेडिंग में मैं क्या लिख देता हूँ, मैं कह देता हूँ ID सेलेक्टर। और इसके नीचे एक और मैं पैराग्राफ बनाता हूँ, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, ये बना देता हूँ। सही है, और एक और मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया भाई, रिफ़्रेश किया मैंने, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये इतना वाला जो पार्ट है ना, ये इंट्रोडक्शन जो लिखा हुआ है, ठीक है, इतने पार्ट पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है मैंने। ठीक है, और कैसी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, जैसा ये हुआ हुआ है।
इसका कलर मैंने क्या कर देना है, ये पिंक वाला कलर लगा देना है इस पर, ये पिंक कलर जो भी है अभी अभी इस पिंक के कलर को सेलेक्ट कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ आपको मैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको एक स्पैन में मैं पैक करूँगा, इसको एक स्पैन में मैंने पैक किया कट, और इसको मैं आईडी भी दे सकता हूँ। एक तो मैंने क्लास दिया था, बिल्कुल क्लास से भी ये काम हो सकता है, लेकिन मेरे पास एक आईडी भी मौजूद है। ठीक है, मैंने आईडी दे दिया गया इंट्रो, ठीक है आईडी दे दी इसको मैंने। अब इस आईडी पे जाकर मैं अगर कोई स्टाइलिंग लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं हैश लिखूँगा और आईडी जो भी ना होगी उसका नाम लिखूँगा, और नाम लिखने के बाद मैं कलर इसका बोलूँगा कि भाई आप पिंक कर दो। ठीक है, पिंक ये थोड़ा सा डिफरेंट पिंक हो गया, अभी हम ये वाले पिंक को कैसे सेलेक्ट करना है वो ज़रा देखते हैं ना। तो ये वाला पिंक ऐसे सेलेक्ट होगा कि हमारे पास ना एक कलर पिकर का एक टूल होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इसका नाम है कलर ज़िला नाम है इसका एक्चुअली, सही है, ये कलर ज़िला करके लिखेंगे आप, क्रोम का एक्सटेंशन है ये। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे मौजूद कोई भी कलर को पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये करना होगा कि इस बुक को अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना होगा। ये बुक मैं क्रोम ब्राउज़र में कैसे ओपन करूँगा, ओके इसको क्रोम ब्राउज़र में मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया इस बुक को, और अब मैं यहाँ पे स्टाइल वाले चैप्टर में जाके ना उसको पिक कर लूँगा कलर को, चैप्टर नंबर 11 है ना वो, सही है। मैंने कहा भाई एग्जैक्टली मुझे यही कलर चाहिए ना, ओहो ये तो मैं 11 में आ गया। ये है ना मेरे पास सेलेक्टर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एग्जैक्टली ये वाला कलर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं कलर पिकर पकड़ूँगा, पिक कलर फ्रॉम पेज, ओ ये क्या हुआ, अच्छा ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक तरीका और भी है मेरे पास, एक तरीका मेरे पास और ये है कि मैं क्या करूँ, इतने का जो है ना वो ले लूँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं इतने का, और स्क्रीनशॉट लेके मैं बाद में इससे क्या कर दूँ, इसको उधर ले जाऊँ। अच्छा जी, अच्छा स्क्रीनशॉट अभी मैं ले नहीं सकता, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना ऑलरेडी चल रही है, तो इसका क्या हल निकाला जाए, क्या जुगाड़ बनाया जाए इसका। ओके, कलर पिकर मैक, कोई हम कलर पिकर ढूंढते हैं दूसरा, नहीं मेरे ख्याल में यही एक ऑप्शन है कि मैं ना ये इस बुक को इधर इसकी फ़ोटो मैं ले लूँ और इस बुक को इधर फ़ोटो करके मैं ओपन कर दूँ। ठीक है, लेकिन इसकी फ़ोटो मैं लूँ कैसे, हाँ अभी मुझे समझ आ गया कैसे लूँ, अभी मुझे समझ आ गया, मैं इसको अपने फ़ोन पे भेजता हूँ और फ़ोन पे इसकी मैं फ़ोटो लेके ना वापस इधर लाता हूँ फिर। शेयर 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 शेयर, बल्कि बुक मेरे पास फ़ोन में है एक्चुअली, मैं बुक को ओपन करता हूँ फ़ोन में, हाँ बुक मेरे पास फ़ोन में ऑलरेडी मौजूद है। Where are you? Yeah. मेरे पास बुक मैंने ओपन की है अपने फ़ोन में, और अपने फ़ोन में बुक ओपन करने के बाद ये मैं आ चुका हूँ चैप्टर नंबर 10 में, आपको दिख रहा नहीं होगा सॉरी, ये मैं अकेले अकेले कर रहा हूँ। ठीक है जी, और मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया अपने फ़ोन पे, और ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं ये स्क्रीनशॉट कहाँ भेजूँगा अपने
अपने कंप्यूटर पे भेजूंगा मैं ये, ठीक है। वैसे ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो सकता था, लेकिन फॉर दिस वेरी रीज़न कि मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। वरना मैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर पे ही ये स्क्रीन शॉट वाला काम कर सकता था, ठीक है जी। तो ये मैंने एक स्क्रीन शॉट लिया है अपने फ़ोन में, बुक को ओपन करके ना ये मैंने स्क्रीन शॉट लिया है एक्चुअली, ठीक है। इसमें वो कलर दिख रहा है मुझे, और अब मैं क्या करूँगा, बहुत लंबा जुगाड़ लगाया मैंने, और इसको मैं इधर ओपन कर लूँगा, राइट। तो ये मेरे पास क्या खुल चुका है, एक स्क्रीन शॉट खुला हुआ है, और यहाँ से अब मैं कलर को क्या कर लूँगा, पिक कर लूँगा, वाओ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको जूम इन भी कर सकता हूँ अगर मुझे अगर मुझे एक्यूरेसी की चाहिए बिल्कुल ही, तो मैं इसको जूम इन भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने जूम करके क्लिक किया, तो यहाँ पे कलर मेरा क्या हो गया, कॉपी हो गया, और अब मैंने यही कलर एग्जैक्टली यहाँ पे लाके इसको हटाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, ये पिंक का वही वाला शेड आ गया एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए था। इसको मैं बंद कर देता हूँ, वापस अपने डॉक्यूमेंट में आता हूँ मैं। तो आप देखें ये क्या हो चुका है, वही सेम कलर यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, अब एक चीज़ का डिफरेंस है कि फॉन्ट का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, और बुक में जो फॉन्ट का स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है, सही है। तो बुक में जो फॉन्ट का स्टाइल है वो भी हम इसको कोशिश करेंगे कि वो भी हम इसमें लेकर आ जाएं। अच्छा, तो आगे चलते हैं हम जी। हमने ये आईडी सेलेक्टर को यूज़ करना देख लिया फ़िलहाल के लिए, और आईडी सेलेक्टर के ज़रिए हमने एक चीज़ लगा ली है, चाइल्ड सेलेक्टर हमारे पास एक मौजूद है। चाइल्ड सेलेक्टर क्या करता है, डायरेक्ट चाइल्ड को टारगेट करने के काम आता है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको ये बोला कि एक ये पैराग्राफ है, ठीक है, और इस पैराग्राफ का जो डायरेक्ट चाइल्ड है स्पैन, ठीक है, उस पर कोई चीज़ लगानी है अगर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ ऐसे करो कि भाई पी और उसके अंदर स्पैन, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर जो स्पैन होगा, और उस पर मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ, उस पर मैं बोल्ड अप्लाई कर देता हूँ, उस पर मैं बोल्ड अप्लाई कर देता हूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन, नहीं नॉट टेक्स्ट डेकोरेशन एक्चुअली, फॉन्ट वेट, सही है। तो आप देखेंगे किस किस पे क्या हुआ, ये हुआ क्यों नहीं, ये बोल्ड इस पर अप्लाई नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर वाई। एक मिनट इसको बंद करके खोलता हूँ, शायद ये कुछ सब कुछ तो सही है। वेल, ये इस पर अप्लाई नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर व्हाई। ओके, हो तो गया अप्लाई यार, बोल्ड इतने पार्ट को बोल्ड होना था ना, सही अप्लाई हो रहा है, अप्लाई हो रहा है एक्चुअली, वो सही है, ये बोल्ड हो गया ना इतना पार्ट, तो ये अप्लाई हुआ है। इसको मैं रोकूंगा तो ये गायब हो जाएगा, सही है, ये बोल्ड ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैं इस तरह करके भी इसको टारगेट कर सकता हूँ। अच्छा, आप देखें ज़रा इसमें कैसे हो रहा है। सबसे पहले ये क्या ढूंढेगा, पैराग्राफ ढूंढेगा, पैराग्राफ का इसको एलिमेंट मिल गया। अब इस पैराग्राफ का जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना, जो स्पैन, वो ये इसका ऑब्वियसली डायरेक्ट चाइल्ड है। फिर ये वाला पैराग्राफ इसको मिला, इसके अंदर दो डायरेक्ट चाइल्ड हैं, ये भी डायरेक्ट चाइल्ड है पैराग्राफ का है, और ये भी डायरेक्ट चाइल्ड है पैराग्राफ का, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक पैराग्राफ ये है और इसका भी डायरेक्ट चाइल्ड स्पैन है। तो आप नोट कीजिएगा कि इस पर भी अप्लाई हो गया, हालांकि इस पर क्या लगा हुआ था, इस पर वो क्लास डिफरेंट थी, ये जस्ट स्पैन को देखते हुए इसने इस चीज़ को अप्लाई किया। तो आप नोट करें, इसको भी इसने बोल्ड कर दिया है। अगर मैं इसे स्टाइल को रिमूव करता हूँ तो यहाँ से बोल्ड, ये देखें अभी ये बोल्ड ख़त्म हो गया यहाँ का भी, और जैसे ही इसको मैं लगाता हूँ तो क्या होता है, वो ना सिर्फ इस वालों को बोल्ड करता है बल्कि इनको भी बोल्ड कर देता है, ठीक है जी। अच्छा, हम ज़रा जल्दी से अब इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, डिसेंडेंट सेलेक्टर जो होता है, जैसे डायरेक्ट चाइल्ड की बात हो रही है ना, तो डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब ये है कि एक पैराग्राफ होगा उसके अंदर एक स्पैन है, तो ये डायरेक्ट चाइल्ड हो गया। लेकिन इमेजिन करें कि एक पैराग्राफ है
उसके अंदर एक और डिव है और फिर उसके अंदर एक और पैराग्राफ है, तो उसमें फिर ये डायरेक्ट चाइल्ड की जगह डिसेंडेंट भी हो सकता है कि भाई मतलब जितने भी इसके नीचे चिल्ड्रंस हैं सब पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो उसमें ये आप समझ गए होंगे बहुत इजीली कि ये क्या चीज़ है। इसको हम क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स अभी इसको हम चलाकर भी देखेंगे इन सारे सेलेक्टर्स को, तो अभी जस्ट इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको रूटीन में लाएं, अपने यूज़ में लेकर आएँ। एडजेसेंट सिबलिंग जो है, सिबलिंग हम सब जानते हैं क्या होता है, साथ वाला जो एलिमेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोड में जाऊँ तो ये दो पैराग्राफ जो हैं ये आपस में क्या हैं, ये सिबलिंग्स हैं, ठीक है। ये तो पैराग्राफ भी आपस में सिबलिंग है, ये H2 और ये पैराग्राफ ये भी सिबलिंग है। तो एडजेसेंट सिबलिंग पे अगर लगाना तो इस तरह करके हम लगाते हैं, और एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला के जो फॉरन नेक्स्ट सिबलिंग है। लेकिन अगर मुझे जनरल सिबलिंग पे लगाना है, यानी तमाम H1 के जितने भी सिबलिंग हैं पैराग्राफ सब पे लगाना है अगर, तो फिर मैं ऐसे करके लगा सकता हूँ, ठीक है जी। तो आज की हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपका कोड है इसको मैं भेज देता हूँ आपका गिटहब में, पुश कर देता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, अदरवाइज़ फिर हम ख़त्म करते हैं क्लास को यहीं पर, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और टेस्ट के लिए आप सब लोग प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अभी जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, यानी आज मंडे 2 जनवरी है आज, तो 3 छोड़ के 4 जनवरी जो क्लास होगी आपकी, उसको आपका टेस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फाइनल अनाउंसमेंट अभी आपको ग्रुप में बताई जाएगी, लेकिन आपने प्रिपेयर रहना है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट जो है वो 4th को होगा, ठीक है। फाइनल आपको जो है ना अनाउंसमेंट ग्रुप में मिल जाएगी बहुत जल्द, ठीक है जी। और कोई मुझे ये कहता हुआ प्लीज़ नज़र ना आए कि सर वो तो आपने बताया नहीं था, क्योंकि मैं पहले आपको कई दफ़ा बता चुका था कि जैसे ही हम 8 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे तो फौरन हमारा टेस्ट होगा। और अच्छा, टेस्ट के बारे में एक और बात बता दूँ, वो बुक से है टेस्ट, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली क्लास लेते रहे हैं या आप असाइनमेंट बहुत अच्छे बनाते रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट में पास हो जाएंगे। टेस्ट में पास होने के लिए बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो बुक से ही MCQs बेस्ड टेस्ट होगा आपका, बहुत इजी होगा, वो इतना मुश्किल नहीं है कोई, लेकिन वो बुक से होगा, बुक के बाकायदा टेक्स्ट से होगा वो। तो बुक आप सब लोगों ने ज़रूर पढ़नी है, जो बुक नहीं पढ़ के आएगा उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ होंगी उसमें, जैसे भी हमने डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र होगा बहुत सारी। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी होगी वो टर्मिनोलॉजी हो सकता है आपको समझ ही ना आए, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, और एक बात क्या थी हमारी, हाँ, असाइनमेंट्स आपके जितने भी अभी तक बने हुए हैं ना, ये भी मैं आपसे सबमिशन लूँगा इसकी। तो प्लीज़ ये जहन में रखिएगा कि अगर आप बहुत अच्छे असाइनमेंट बना रहे हैं और आप कंटिन्यूस क्लास ले भी रहे हैं, उसके बावजूद बुक आपने पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।